खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती की अंजील उसका पांचवा बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। खुदावन के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बात तुम्हारी नस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन।